नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। 7 सितंबर 2022, ये वो तारीख थी जिस दिन कांग्रेस ने 2024 की तैयारियों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू किया और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये पदयात्रा कांग्रेस को जीवंत करने के इरादे से निकाली गई, लेकिन जल्द ही तमाम विवाद भी कांग्रेस की पदयात्रा से जुड़ने लगे। 12 सितंबर 2022 को कांग्रेस ने बड़ा हमला बीजेपी और आरएसएस पर कर दिया और अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो पोस्ट की जिसमें आरएसएस की ड्रेस रही हाफ पैंट को जलता हुआ दिखाया गया। इसी के साथ कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी आरएसएस से ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने और नफरत की बेड़ियों से इस देश को आज़ाद कराने के लिए कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। बस इसी के बाद बवाल मच गया। वहीं बीजेपी ने इसे हिंसा को उकसाने की कार्रवाई करार दे दिया और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को खूब लताड़ा। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। फिलहाल खाकी हाफ पैंट पर यह अभी तक का पूरा विवाद रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आरएसएस के इस खाकी पैंट की पूरी कहानी। ये साल था 1925। विजयदशमी के पावन पर्व पर डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। गठन के वक्त ही आरएसएस ने अपनी यूनिफॉर्म भी तय कर ली थी, जिसमें खाकी हाफ पैंट, खाकी शर्ट, लेदर की बेल्ट, ब्लैक बूट, खाकी कैप और लाठी शामिल थी, जबकि धोती पहनने वाले आरएसएस के सदस्यों को खाकी शर्ट और हाफ पैंट पहनने को कहा गया। ये आरएसएस की पहली ड्रेस थी, लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव होता रहा। 1930 में पहली बार बदलाव किया गया, खाकी कैप को काले रंग की कैप में बदल दिया गया। 1940 में फिर बदलाव हुआ और खाकी शर्ट को सफ़ेद शर्ट से बदल दिया गया, क्योंकि आरएसएस की यूनिफॉर्म ब्रिटिश सेना की वर्दी से उस वक्त मिलती जुलती थी। इसके बाद 1973 में जूतों को लेकर बदलाव किया गया। 2011 में बेल्ट को लेकर नियम बदला गया और लेदर बेल्ट को हटाकर कैनवास की बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। आरएसएस की ड्रेस में बदलाव का सिलसिला यही नहीं रुका। 2015 में खबर आई कि अब आरएसएस अपने हाफ पैंट को हटाएगी और फुल पैंट को ड्रेस में शामिल किया जाएगा। आखिरकार 2016 में हाफ पैंट को हटाकर खाकी फुल पैंट को शामिल करने की घोषणा कर दी गई। बता दें कि 2016 में आरएसएस ने अपने स्थापना दिवस विजयादशमी के दिन खाकी हाफ पैंट को हटाकर ब्राउन फुल पैंट को अपना ड्रेस में शामिल कर लिया। साथ ही मोजे के रंग में बदलाव करके खाकी रंग के मोजे को ब्राउन रंग से बदल दिया गया। इसके साथ ही अब आरएसएस के ड्रेस में ब्राउन कलर के फुल पैंट, सफेद शर्ट, काली टोपी, कैनवास के बेल्ट, काले जूते, ब्राउन मोजे शामिल हो चुके हैं, जो फिलहाल अभी पहने जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आरएसएस की यूनिफॉर्म हर वक्त नहीं पहनी जा सकती, इसे केवल औपचारिक परेड और फंक्शन में पहना जा सकता है। ये ड्रेस किसी को फ्री में भी नहीं मिलती है, स्वयंसेवक को इसे खुद खरीदना होता है। फिलहाल जो हाफ पैंट आरएसएस ने 2016 में बदल दी थी, अब उसी हाफ पैंट को जलता हुआ दिखाकर विवादों में कांग्रेस आ चुकी है, जिसका असर उसकी भारत जोड़ो यात्रा पर भी आगे पड़ सकता है। बहरहाल पैंट पर विवाद अभी थमा नहीं है, लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बाकी आरएसएस की हाफ पैंट को जलता हुआ दिखाकर कांग्रेस और राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए अपनी पदयात्रा को जारी रखे हुए हैं।